देखिए, ये हमारी एक NOB मीटिंग थी जो हर महीने में एक बारी होती है, और हम आगे जो भी काम करना होता है हमने प्रदेश में और हमारे पूरे देश भर से हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं वो सारे आए हुए थे, और आगे किस तरीके से लोकसभा में NSUA क्या काम करेगी ये उसके लिए रणनीति के लिए मीटिंग थी। अच्छा, पिछले 5 सालों में क्या युवा की सबसे जो युवा में जन जागृति फैली है क्या चुनाव को लेकर ऐसा कुछ? बिल्कुल फैली है। देखिए, युवा जो है इस देश का, वो जो युवा है वो बहुत ही समझदार युवा है। आप उनको जो ये जो मुद्दे लाते हैं, ये बीजेपी की जो सरकार है खासकर कोई ऐसा मुद्दा ले आती है, कभी किसी ज़िले का नाम बदल देती है, कभी किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल देती है, तो ये इस देश का युवा जो है वो काफ़ी समझदार है। उन्हें पता है कि इससे रोज़गार नहीं मिलने वाला है, और जो ये सरकार है, जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे सरकार में आने से पहले, 2.5 करोड़ नौकरियाँ देंगे, ये करेंगे, इन सब पर वो विफल हो चुकी है, और इस देश का युवा वो जानता है। काश जिलों बदलने से और रेलवे स्टेशन के नाम बदलने से युवाओं को नौकरी मिलती होती तो NSUI सब सड़कों पे उतरती और 700 के 700 जिलों के नाम बदलने का हम प्रस्ताव रखते और विधानसभा का भी नाम बदलने का प्रस्ताव रखते। लेकिन ये हकीकत ऐसे नहीं है। युवाओं को जो है वो रोज़गार चाहिए, और रोज़गार देने में ये जो वर्तमान की सरकार है वो पूरी तरीके से विफल हुई है, और उसके साथ साथ शिक्षा में जो बजट है वो आप सबके सामने है कि वो किस तरीके से कम किया गया, और इन्हीं की रिपोर्ट, हमारी कोई घर की रिपोर्ट नहीं है, इन्हीं की जो सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक आज तक का सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो आज की वर्तमान की सरकार में है। तो इस देश का जो युवा है वो काफ़ी समझदार है, वोटिंग के टाइम पर आपको पता चलेगा कि वो इनको अपने वोट से जवाब देगा। लगातार अमित शाह ये कह रहे हैं कि इस बार जो है 400 पार, हालांकि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण का उन्होंने डेट भी निकाल दिया, मई में 19 से कुछ तारीख को उन्होंने डेट फिक्स करी है, तो क्या लगता है एक तरफ युवाओं की मांग को लेकर अमित शाह जी ये कहा है, उन्होंने कहा कि 400 पार, तो इस बार आपके तरफ से युवाओं की क्या? 150 पार तो उन्होंने राजस्थान में भी कहा था। तो देखिए, दो आदमियों पर हम इस देश को कोई विश्वास नहीं करता, और दो आदमियों को आजकल कोई सीरियस नहीं लेता, एक है अमित शाह जी, दूसरे है हमारे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं और वो आज ये चीज़ बोलते हैं कि 15-15 लाख आएंगे, बाद में खुद ही बोल देते हैं वो तो जुमला था। तो देश अब उनको सीरियसली नहीं लेता है, उनकी बातों को कोई इतना सीरियसली हमें भी नहीं लेना चाहिए, क्या पता कल यही जुमला निकले। तो अमित शाह जी की बात को तो आप छोड़े। नीरज जी, 5 तारीख को भारत बंद हो रहा है और जितने बहुजन संगठन है, दलित संगठन है, वो बंद कर रहे हैं, क्या उसमें NSUI भी हिस्सेदारी लेगी, क्या समर्थन रहेगा? बिल्कुल, देश हित में जो भी बंद होगा उसमें NSUI बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेगी उसमें, चाहे हमें कोई नहीं है कि हमारी पार्टी का झंडा उसमें बुलंद या रहे ना रहे, लेकिन इस देश में जो युवाओं की जो मुद्दे हैं अगर वो कहीं पर बुलंद है तो NSUI उनके साथ है। पुलवामा जो तमाम तरह की घटना लगातार हो रही है देश में, क्या आपको लगता है कि इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं संलिप्त है? देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की इस कार्यकाल में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए, वो चाहे पुलवामा का हमला हो, वो चाहे पठानकोट का हमला हो, वो चाहे अमरनाथ यात्रियों पे हमला हो, तो कहीं ना कहीं जो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे बीजेपी वाले, इनकी कहीं ना कहीं जो एजेंसीज हैं ये उस तरीके से काम नहीं कर पाए, ना उनसे काम ले पाए। मैं आपसे खुद ही मीडिया, आप मीडिया के कर्मचारी हैं, आप मीडिया के काफ़ी सीनियर साथी हैं, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं, कहीं ये गलती से हमले हमारे टाइम पे हुए तो कितने इस्तीफे मांगे होते हैं इन्होंने आज तक? लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, जब ये कभी बड़ा हमला हुआ, हमने इस्तीफा नहीं मांगा, हमने सोचा कि इस टाइम हमारा जो सिपाही है, हमारा जो देश का जो फौजी है वो बॉर्डर पर लड़ रहा है, इस टाइम हमें ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि हम इनके साथ हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बिल्कुल विफल हुए, इनकी जो प्लानिंग थी और जो इनकी इंटरनल सिक्योरिटी पे जो इनकी पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं फेल हुई है। अजीत डोवाल जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन ये उन्हीं के तो वो सलाहकार हैं, उनके इन सभी में ये इतने बड़े बड़े हमले हुए तो ये नहीं होने चाहिए थे।